अरे क्या कल पे क्या बोल रहा ये सब क्या चल रहा है तेरा? अरे मस्त चल रहा है एकदम। अरे लेकिन ये बूंदगिरी क्या कर रहे तू? अरे बेटा ये बूंदगिरी नहीं है मेरे दोस्त, समझा ना, पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। लेकिन ये लोगों को फंसा रहा है ना तू? अरे फंसा नहीं, टैलेंट का काम है, समझा। अरे लेकिन ये लोगों को कब तक फंसा के रहेगा? अरे फंसाने की बात नहीं, लोगों को वही देता हूँ जो उनको चाहिए। इतना पढ़ाई लिखाई करके फायदा क्या? मैं जॉब कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई करके ये गवर्नमेंट ने अपने लिए किधर जॉब रखा है बोलना? मैं जॉब कर रहा हूँ ना। कितना कमाता है महीने का? 30,000 कमाता हूँ महीने का। महीने का कमाता है ना, मैं दिन का कमा लेता हूँ। लेकिन लोगों को फंसा के कमा रहे ना? ये फंसाने की बात नहीं है, लोगों को वही देने का जो उनको चाहिए, समझा। मला सांगत होती पैसे घ्या त्याच्याकडनं। मी बोलतो मी बोलतो त्याकडे बघा तुम्ही कामाला। आम्ही बोलतो बोललो ना, मी बोलतो पैसे पाहिजे म्हणजे पाहिजे। आता पैसे परत देईन काम नाही झालं तर पैसे परत देईन बोललो। ओ देख मेरे पुराने कस्टमर आ रहे, 10,000 रुपये ऍडव्हान्स देके गए मुझे, अभी आएंगे ना उनसे 40,000 निकाल लेता हूँ मैं, अभी देख लेना तू। 40,000 पैसे बोला भाई साहब, 40,000 लेके आए ना। काय का घंटा 40,000? जो 10,000 दिया था ना वो वापस दे दे मुझे। अरे भाई साहब आपका काम हो गया ना? अरे घंटा काम हुआ, क्या बोला था तूने? अच्छे दिन आएंगे, यहाँ पे लौड़े लग गए हमारे, रोज झगड़ा हो रहा है तेरे वजह से हमारा। अरे सुनो सुनो भाई साहब, अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। देखो ये शनि का ही प्रकोप है, इसके वजह से ये सब हो रहा है। आपने अभी 10,000 दिए, समझे, आपका अभी काम खाली 10% ही हुआ है, समझे। अभी 90% आपका काम बाकी है, जो आप 40,000 दोगे तभी आपका काम 100% क्लियर हो जाएगा, समझे, तभी आपके अच्छे दिन आएंगे। अरे बाहर में जाए तेरा शनि राव केतू, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे पैसा चाहिए अभी के अभी। अरे पैसे पैसे की चिंता मत करो, फल की चिंता करो। अरे कान में डाल दे रहे फल। आप 40,000 इसके पास मत जाने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे पे विश्वास रखो, मैं पूरा निपटा दूंगा। मुझे अभी पैसा चाहिए, अभी चाहिए पैसा। अरे अरे भाई साहब आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है जाने दो जाने दो, वो सब चले, 40,000 छोड़ दो, आप 5,000 दे दो, फिर वही 25,000 वाला ही आएगा। अबे चूतिया 5,000 क्या, 5,000 मेरा पैसा चाहिए मुझे अभी। भाभी जी समझ रहे, आप समझा उनको, पता चलेगा तुझे अभी। अबे भोसड़ी के पैसा कब दे रहे बोल, पैसा कब दे रहे, पैसा अभी के अभी चाहिए हम लोग को, समझा ना। अरे क्या क्या, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, क्या घंटा शांत हो जाओ, पैसा चाहिए बोला ना, चप्पल निकाल के मारूंगी चूतिया। पैसा चाहिए मुझे पैसा अभी। अरे सुनो, अबे झंड, तू कौन है, एजेंट है क्या इसका, या तेरा भी दुकान है इसके जैसा? देखिए मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं अच्छी जगह पे जॉब करता हूँ, चित्रपट मीडिया प्रोडक्शन। अरे ऐसे बहुत प्रोडक्शन देखे आते हैं और डूब जाते। अरे हमारे प्रोड्यूसर नियामत रसूल खान है, सब जानते हैं उनको। वो खान साहब जिनके बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं। अरे बिल्डिंग की शादी में है। देखिए आपके जैसी और 100 बिल्डिंग है उनकी। ठीक है तू बोलते है इसके लिए हम लोग मानते है, लेकिन कब मिलेगा पैसा? कब? देखिए 4-5 दिन में मैं करवा देता हूँ। 5 दिन की मूल्य देता तुझे, 5वें दिन मुझे यह पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं मिलेगा ना नंगा ना जाऊंगा यहाँ पे, तू चल। भेंचोत पैसा चाहिए, समझा ना, मैं तो चप्पल उतार के मारूंगी चूतिया साला। भाभी जी बहुत ही पढ़ी लिखी है। कब दे रहा तू स्क्रिप्ट? अरे दे रहा हूँ बाबा, एक तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, लौड़े लग गए यहाँ पे मेरे। प्रोड्यूसर मुझे चिल्ला रहा है। प्रोड्यूसर को संभाल लो ना, 2-3 दिन करता हूँ मैं, 2-3 दिन में करके दे मेरे को। रुको, कल आते वक्त ना थोड़ा पैसा ज्यादा लाना, खर्चने के लिए पैसे नहीं है। अभी ये सब बंद करते रहा, अभी तेरे वजह से फंसने वाला था मैं। अरे दोस्त तेरे को कैसे फंसने दूंगा मैं? अरे अभी वो लोग तेरे को मारते थे, मैं भी फंसता था उसमें। अरे ऐसा नहीं है, शांति ले, सब कुछ अच्छा होगा। अरे तेरे को कितना समझा यार, तू समझता क्यों नहीं? यार 100 में से 1 केस ऐसा होता है, उसका टेंशन नहीं लेना। अभी वो लोग पैसा मांग रहे, कहाँ से लेके आएगा? अरे कुछ तो जुगाड़ कर दूंगा, रुक। यार देख वो बंदा आ रहा है। यार कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या लिखूं? ये धंधा बंद करेगा तो पेट कैसे पलेगा अपना? देख वो फ्रेश बंदा है, देख अभी तेरा जुगाड़ कर लेता हूँ, टेंशन मत। अरे सुनो बेटा, तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तुम पैसा कमाते हो लेकिन तुम्हारे हाथ में पैसा रहता नहीं है। अरे हाँ बराबर बोल रहे हो आप। तुम दूसरों की मदद करते हो
लेकिन तुम्हें मदद करने कोई नहीं आता। अरे ये भी सही है, लेकिन ये आपको कैसे पता चला? बेटा मैं ज्योतिष हूँ। ज्योतिष? एस्ट्रोलॉजी। हाँ? एस्ट्रोलॉजी। हाँ? क्या? एस्ट्रोलॉजिस्ट। अच्छा अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कब आए? इंडिया इंडिया। मैं ज्योतिष शास्त्रज्ञ हूँ। अच्छा अच्छा, गुरुजी गुरुजी। क्या है बेटा, तुम्हारे लाइफ में ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये तुम्हारे ऊपर जो शनि का प्रकोप है उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम चल रही है। कौन शनि? वो शुक्रवार के बाद आता है और रविवार से पहले आता है, वो वाला ना? फिर बेटा वो शनि नहीं, तो वो शनि जो मनुष्य के जीवन में बाधा डालता है। बाधा डालता है? हाँ। कौन है वो साला? हाँ? किधर मिलेगा? मिलेगा ना, उसको पता था वो बराबर। अरे बेटा वो ऐसे तुमको नहीं मिलेगा, तो वो मुझे ही मिलेगा। अच्छा अच्छा, वो नेपच्यून वगैरह वो मतलब, हाँ उसकी वजह से अपना वो चंद्रयान वहाँ पे गिरा है ना, वो वाला शनि ना? अरे वो छोड़ दो ना, उसका इसरो देख लेगा। मैं हूँ ना तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मतलब वो इसरो? हाँ वो इसरो। अच्छा अच्छा, सुनो बेटा तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो तुम्हें खाली है ना मंदिरों में 100 लोगों को खाना खिलाना है। 100 लोगों को खाना? हाँ। लेकिन वो खर्चा कितना आएगा उसका? अरे बताता हूँ। इसके लिए ना तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, खाली 20,000 रुपया खर्चा आएगा। 20,000? अरे 20,000 बोलने का, तभी तो थोड़ा कम पे आएगा वो। गुरुजी उतना पैसा नहीं है मेरे पास। अरे बेटा उतना तो करना ही पड़ेगा ना। गुरुजी उतना पैसा नहीं है, आप कुछ दूसरा देखो ना। ठीक है सुनो, तुम खाली 10,000 रुपये दे दो, मैं पूरा निपटा दूंगा। 10,000? गुरुजी मजाक कर रहे हो, 10,000 रहता तो मैं गाड़ी से नहीं जाता, पैदल क्यों जाता? अरे इससे कैसे चलेगा? देखिए ना। ठीक है, अभी तू कहता है इसके लिए मैं 5,000 में कर दूंगा, अभी अभी उसके नीचे नहीं। गुरुजी 5,000 भी बहुत है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। गुरुजी पैसों के सिवा क्या होता है बता मुझे। वही बोल रहा हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है वो पैसों की वजह से ही चल रही है ना। कुछ दूसरा उपाय रहेगा ना? देखिए ना प्लीज, दूसरा 5,000 भी नहीं है तेरे पास, तो कम से कम 1,000 तो दे दे। अब गुरुजी इफेक्ट वही 20,000 वाला ही रहेगा। 1,000 रुपए भी नहीं है मेरे पास। ठीक है चल, तू अभी ज्यादा नहीं 101 रुपए दे दे, मैं तेरा काम निपटा लेता हूँ। गुरुजी 101 रुपए भी नहीं है मेरे पास। गुरुजी घर से लेके आया हूँ पैसे। घर से लेके आया ना? हाँ। तो अभी 11 रुपए दे दे, मैं तेरे नाम का नारियल फोड़ता हूँ, सब एकदम सेटलमेंट कर देता हूँ। गुरुजी वो पैसे भी खर्च हो गए, वड़ा पाव खाने के वान दे। गुरुजी आप कुछ दूसरा नया वाला कुछ रहेगा ना उपाय, वो बताओ, मैं करता हूँ फिर। देखा अभी मेरी एक्टिंग देखनी है। 11 रुपए भी नहीं है तेरे नहीं पास। है ना गुरुजी। अरे काय के लिए जी रहा है तू? अरे मर जा, ऐसा भी कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा तेरा। अरे निकल इधर से तू, अरे निकल इधर से। अरे तू नारायक आदमी है, तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे सर सर के मरेगा। देख नहीं तो मैं अभी तेरे पर कुछ ऐसा जादू कर दूंगा, सब तेरा सत्यानाश इधर ही कर दूंगा। निकाल तो इधर से। क्या एक्टिंग किया है, वाह वाह वाह, एक नंबर। ऐसे ही काम करते हो? एक नंबर। अरे मैं कब से टेंशन में था, स्क्रिप्ट ही नहीं मिल पा रही थी। हमारा नया वेब सीरीज चल रहा है #90 चित्रपट मीडिया प्रोडक्शन के लिए, मुझे मेरा स्क्रिप्ट मिल गया, कैरेक्टर मिल गया, एक नंबर। इनको लेके आओ चित्रपट मीडिया ऑफिस। हाँ चलो, थैंक यू, एक नंबर गुरु जी, एक नंबर, वाह वाह। अरे नंगे से तो भगवान भी डरता है, फिर शनि क्या उखाड़ लेगा तेरी, और मैं भी क्या उखाड़ लूंगा तेरी। ठीक है अभी चल, बहुत हो गया तेरा।